जो मणिपुर का जो सिचुएशन है एक साथ छुपा रहे हैं, सब दुनिया के सामने ऐसे ही शांति वगैरह पिक्चर दिखा के अंदर का जो सच्चाई में हो रहा है वही छुपा रहे हैं। बीरेन सिंह जी, ये मीते कम्युनिटी का ही है, मीते समुदाय से है वो, और झूठी झूठ बोले जा रहे हैं तब से, ठीक है। और फिर कोई हम लोग आदिवासी समुदाय जो कुकीज है, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, वो कब से झूठी बोले जा रहे हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री को, जो भी केंद्र सरकार को झूठी फैलाए जा रहे हैं, शांति आ गया, शांति, यू नो, वी आर पीस लविंग पीपल बोले जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम तो पीएम के मन के बात तो सुनते रहते हैं, पर हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम जी हमारे नीड्स को सुनने के लिए तैयार हो, हमारे मन की बातों को भी सुने। बोलो, हमें हमारे गांव में अटैक करने के लिए आ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम अपने जान बचाने के लिए हमें अपने छोटे बच्चों को आगे खड़ा करना पड़ रहा है। उनको भी बोल दिया है कि मैं मीते के लिए जंग लड़ूंगा और मैं कुकीज़ समुदाय को मिटा दूंगा, उन्होंने पूरा ओपनली बोला है। ये जो हमारा इमीडिएट मांग है ये है कि कुकी इनहेबिटेड एरियाज जहाँ भी कुकी रहते हैं वहाँ से जल्द मीते ऑफिसर्स को हटा दिए जाए। देख रहे हैं आप इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है, तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मणिपुर के यूबी कम्युनिटी का आज यहाँ पर धरना पदाई करते हैं। कहा जाता है कि बीते 9 महीने से मणिपुर की स्थिति जो है वह अभी भी सामान्य नहीं हुई है। क्या है अभी की स्थिति की बात करें तो मणिपुर की स्थिति जो है वो कितनी सामान्य है? अभी तो बहुत खराब है, पहले से भी और खराब होंगे अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी काम ना करे, हमारे लिए कोई उपाय ना ढूंढे, क्योंकि अभी तक कल ही, मतलब कल परसों ही अटैक्स हुए हैं हमारे कुकीज़ गांव पे, हमारे बफर जोन्स को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और फिर अगर उनको कोई पीस सोल्यूशन ढूंढना है तो फिर उनको कुछ उपाय ढूंढना है, क्योंकि ऐसे कौन करता है कि हथियार लेके दूसरे कुकीज़ गाँव के अंदर घुस के कौन ऐसा पीस सोल्यूशन ढूंढता है ना। तो फिर हमारे लोगों को मारने के लिए, हमारे लोगों को खत्म करने के लिए ये लोग चला रहे अपना दिमाग और चला रहे अपना काम। अगर मैं आपकी बात को समझूं तो आपका कहना है कि आपकी पूरी कम्युनिटी को ही खत्म किया जा रहा है? हाँ हाँ, उन्होंने ओपनली भी बोला था, उनके मेते लीडर्स ने भी बोला था कि हम उनको बॉम्ब से भी उड़ा सकते हैं ओपनली, ठीक है, द वायर में भी बोला था उन्होंने, इंटरव्यूज में भी। तो फिर आप देखोगे तो उन्होंने बस वो चुपचाप या कोई मास्टरमाइंड नहीं रहा, लेकिन ओपन, यू नो, ओपन चैट, ओपन धमकाना, ओपनली ये वॉर उन्होंने शुरू कर लिया है। ओपन वॉर समझा जाए वहाँ पर शुरू हो चुका है मणिपुर में। हाँ जी, घर का माहौल है वहाँ पर? हाँ जी, ये जो आरामबाई टिंगोल उनका जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो आतंकवादी ग्रुप है, उन्होंने खुल के भी बोला है अपने मेईतेई कम्युनिटी से कि जो भी एक कुकी आदमी को जिंदा पकड़ के ले आएगा उनको 1 लाख का इनाम मिलेगा। ये कैसा इंसानियत है? उन्होंने हाल में भी रोमई कम्युनिटी के जो नागा ट्राइब के है उनको भी पकड़ के ले चला है। तो ऐसा सिचुएशन है अभी मणिपुर का, सिर्फ कुकी का को ही एंडेंजर नहीं कर रहे हैं, अभी और कम्युनिटीज में भी फैल रहा है। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर, वो सरकार केंद्र में भी है, लेकिन वो सरकार कहती है कि अब जो है वहाँ की जो स्थिति है पहले से बहुत ज्यादा ही सामान्य हो चुकी है, जो स्थिति है वो सही हो चुकी है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि सब जो सेंटर और स्टेट में है दोनों ही एक ही पार्टी है, तो आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगा ना। और वो जो मणिपुर का जो सिचुएशन है एक साथ ही छुपा रहे हैं, सब दुनिया के सामने ऐसे ही शांति वगैरह पिक्चर दिखा के अंदर का जो सच्चाई में हो रहा है वही छुपा रहे हैं। कुछ समय पहले राहुल गांधी की वहाँ पर एक न्याय यात्रा निकली थी, तो उसके बारे में आपको कितना क्या कुछ पता है? न्याय यात्रा पे चला है राहुल गांधी, वहाँ जो विक्टिम्स है, अफेक्टेड लोगों है, उनको जाके कम्फर्ट किया है। और राहुल गांधी की विजिट से कोई शांति या कोई सिचुएशन और नहीं बिगाड़ा है, हमें तो बस ऐसा कोई पार्टी का कोई फेवर भी नहीं है हमको, हमें बस ऐसा ही गवर्नमेंट चाहिए जो हमें प्रोटेक्शन दे और जो न्याय दे हमको। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, कमांडो सब कुछ तो वहाँ पर तैनात ऑलरेडी है वहाँ पे? कमांडोज वगैरह तो जब ऑफिसर्स ही मेईतेई लोग हैं तो फिर साइड लाइन ही करेंगे ना, तो उनका यही गोल है कि कुकीज को मारो। तो जब बड़े बड़े ऑफिसर्स उनका मेईतेई ही है तो हमें कैसे सुरक्षित देंगे? तो जो भी आर्मी को कमांड ऑफिसर कमांड करेगा वही आर्मी फॉलोअर करेंगे ना। तो इसलिए हम ये मांग चाह रहे हैं कि अभी के अभी जो हमारा इमीडिएट मांग है ये है कि कुकी इनहेबिटेड एरियाज जहाँ भी कुकी रहते हैं वहाँ से जल्द मेईतेई ऑफिसर्स को
हटा दिए जाए और सेंट्रल फोर्सेस है वहाँ, उनका क्या रहना रहने की जरूरत नहीं है। और अगर जिसको भी पोस्टिंग करना हो कोई न्यूट्रल को पोस्ट कर दो ना, मेनलैंड इंडिया से या फिर कोई सराउंडिंग स्टेट से ले आके आप पोस्ट, समाज का कोई भी नहीं चाहिए वहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी भी मतलब रिसेंटली भी मोरे में जो हादसा हुआ है वो भी पार्टली इट्स बिकॉज ऑफ मेटे ऑफिसर्स के वहाँ प्रेजेंट होने की वजह से। हाँ जैसे उन्होंने बोला कि हम जवानों के ऊपर कोई दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन उनके ऑफिसर्स हैं जो जवान होते हैं वो उनके सीनियर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से ही जाते हैं। तो फिर वहाँ पे आप देखोगे तो रिसेंटली जैसे उन्होंने बोला कमांडोज ने जो अटैक की है हमारे लोगों के ऊपर, एक औरत को भी मार डाला है उन्होंने फायरिंग किट से, देखोगे तो वहाँ पे एक मेहतई ऑफिसर पोस्टेड है। तो फिर अगर ऐसा ऑफिसर जो ऑर्डर्स दे रहा है तो फिर क्या होगा हमारा, क्या होगा आपकी सुरक्षा का? हाँ हमारे सुरक्षा का क्या हो गया, हमें सुरक्षा रखने के बजाय हमें अटैक किया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर असुरक्षित आगे भी महसूस कर रहे हैं, सरकार से क्या कुछ अपील कर रहे हैं? सरकार से तो हम जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए, हमारे मणिपुर पे आ जाए और अच्छे से हमारी स्थिति को देख ले और हमारे लिए कोई सोल्यूशन, हमारे लिए कोई पीस सोल्यूशन हमारे लिए ढूंढ ले, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही खुद हमें मारने की कोशिश कर रहा है, हमें भगाने की कोशिश कर रहा है। आप भी मानती है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर जो बीरेन्द्र सिंह है वो आप लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 9 महीनों से कि स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट गवर्नमेंट तो हमें कब का फेल कर चुका उन्होंने, इसलिए हमारा उम्मीद अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे है। पार्टी सेम हो या ना हो प्लीज, हम भी भारतीय, हम भी अपने आप को भारतीय मानते हैं और हम तो पीएम के मन के बात तो सुनते रहते हैं, पर हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम जी हमारा हमारे नीड्स को सुनने के लिए तैयार हो, हमारे मन की बातों को भी सुने। वो आप चाहते हैं कि जो अगली बार पीएम की मन की बात हो उसमें वो आप लोग का जिक्र करें? हाँ मन की बात पे करे या ना करे हमारा मन की बात सुनो। 9 महीने बीत गए हैं अब तक स्थिति वहाँ पर कुछ ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन स्थिति वहाँ की अभी भी सामान्य नहीं है, ऐसा आपके लोग कह रहे हैं, आप इससे किसे मानती हैं? हम मौजूद हैं, हम मानते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे घर से जो मध्य मटे यहाँ दिल्ली में भाग के उनका अभी तक जो ऑटो के स्पेशली ऑटो के जो छोटी लड़कियों की जो पढ़ाई छोड़ के यहाँ से जान बचा के यहाँ भाग के है उनका अभी तक न पढ़ाई में आगे बढ़ा है, ना इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है। अभी तक जो यहाँ से जान बचा के भाग के आए उनके लिए जो मेडिकल की जो हेल्थ इनकी हेल्थ के लिए रिगार्डिंग किसी को देखने के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि जो भाग के आए जो अपना जान बचा के यहाँ पे भागे उनके लिए ना पैसा का कोई इंतजाम नहीं है, ना खाना रहने का, कितने महीने तक चलेगा इंसान, तो 1 महीने 2 महीना 9 महीने में कैसे किसी के पास जाके कैसे उनको गुजारे होगा? जितनी सामान है कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है मणिपुर की स्थिति जो है वो सामान हो चुकी है और ठीक हो चुकी है, पहले से काफी अच्छी हो चुकी है। ये जो जिसने भी बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो कुकी समुदाय है हम अभी तक इम्फाल में जा भी नहीं सकते, ना इम्फाल एयरपोर्ट में जा सकते हैं। कल परसों भी हमारे गांव में अटैक हुआ है और हम हमारे जो भाई खबर तो आती है, अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी 22 जनवरी को कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उससे अगले 3 लोगों की मृत्यु हुई है, खबरें तो भी सामने आ रही है। अभी मीडिया जो है आज इतना आगे नहीं आ रहा है, सारे मीडिया भी जैसे पहले भी यहाँ पे कितने सारे मीडिया आते थे, अभी हमारे मीडिया जो है मीडिया को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर दिया गया है, तो आज जो भी होता है कभी भी सामने नहीं आता है, बस जो फैक्ट है। हम लोग घर में फोन करते हैं तो अभी तक बोलो हमें हमारे गांव में अटैक करने के लिए आ रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम अपने जान बचाने के लिए हमें अपने छोटे बच्चों को आगे खड़ा करना पड़ रहा है, जान का खतरा है, आपको का खतरा है अभी। तो यही तस्वीर है, आपको कुछ और लोग जो है बातचीत करना चाहेंगे उनसे, जान का खतरा है, 9 महीने बीत चुके हैं, इतनी सामान्य नहीं बताई जा रही कि सामान्य हो भी चुकी है। देखिए ये तो हम कब से बोले जा रहे हैं कि जब से मई 3 से जो ये दंगा शुरू हुआ है मणिपुर में, जब से आग जली है, जो सीएम है बीरेन्द्र सिंह जी ये मीते कम्युनिटी का ही है, मीते समुदाय से है, वो झूठ बोले जा रहे हैं तब से, ठीक है। और फिर कोई हम लोग आदिवासी समुदाय जो कुकीज़ है कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, वो कब से झूठी बोले जा रहे हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री को पता, जो भी केंद्र सरकार को झूठी फैलाए जा रहा है, शांति आ गया है, शांति यू नो वी आर पीस लविंग पीपल बोले जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अभी रिसेंटली हाल ही में क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं मोरे जो हमारे बॉर्डर टाउन है म्यांमार, जहाँ पे कुकीज़ लोग हम रहते हैं, वहाँ पे बार बार ये अपने मीते पुलिस कमांडोज आतंकवादियों जो सीएम के साथ पूरा हाथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये लोग बार बार हमारे इलाकों में क्यों भेज रहे हैं हमें मारने के लिए, हम पर जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सरकार की जो हथियारे हैं
गोलियां है, बॉम्बे है, ये हम पर चला रहे हैं और हम ये नहीं चाह रहे। हमारी सबसे बड़ी मांग है अभी कि इनको निकालो, हमारे इलाके में क्यों आ रहे हैं ये लोग, हम तो नहीं जा रहे, हम सभी को घाटी से निकाल दिया और फिर हमें हमारे इलाकों में क्यों आ रहे हैं, अपने घाटी में रहो, पहाड़ों में क्यों आ रहे बार बार। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर शांति, अगर उनको जो बोले जा रहे हैं मीडिया में शांति चाहिए, शांति है कुकीज़ों के साथ शांति हम चाहते हैं, अगर उनको सच्चाई में शांति चाहते हैं तो फिर अपने ये जो मेटे आतंकवादियां है उनको हमारे इलाकों में मत भेजो और हमें अलग प्रशासन चाहिए। लेकिन आपकी सुरक्षा के अलावा सुरक्षा कर्मी और कमांडो तैनात रहते हैं, तो फिर मैं कह रही हूँ ना जो उनके जो कमांडो और ये सब जो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे कमांडो लाइक उनका जान चला गया, तो ये हमारे इलाके में आके हम पर अटैक, जब हम पर हमला करने आते तब उनकी जान चली जाती है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि मत आओ हमारे इलाकों में, पहाड़ों में मत आओ, तो फिर क्यों आ रहे बार बार, यही तो हम उनसे सवाल करना चाहते हैं। आप कह रही है कि लेकिन एक बात है, अपने आप को डिफेंड कर रहे हम अपनी सुरक्षा के लिए हम डिफेंड कर रहे हैं, हम उन पर हमला नहीं कर रहे, हम घाटी में जाके थोड़ी ना हमला कर रहे, वो लोग आ रहे पहाड़ पर, तो यही है। और ये वो लोग बोलना ही नहीं चाहते, लोगों को मीडिया को नहीं बताना चाहते, यही है सच्चाई। लेकिन कोई भी सीएम वीरेंद्र सिंह है वहां पर, लेकिन कोई भी सीएम हो वो कभी भी एक कम्युनिटी का नहीं होता है, वो हर कम्युनिटी का होता है, चाहे देखा प्रधानमंत्री भी हो वो पूरे हर जाति का होता है, लेकिन उनके बाद भी आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ एक वैसे कम्युनिटी के होकर रह गए। यही तो हम बोलना चाहते हैं, ये सीएम मणिपुर सभी का होना चाहिए था, अ लीडर नेवर डिवाइड्स। हम भेदभाव करे जा रहे हैं, हम कुकी तो समुदाय के खिलाफ भेदभाव क्यों करे जा रहे हैं, उन्होंने तो पूरा ओपनली बोल दिया मीडिया में, अपने लोगों को भी बोल दिया कि मैं मेईते के लिए जंग लड़ूंगा और मैं कुकी जो समुदाय को मिटा दूंगा, उन्होंने पूरा ओपनली बोला है उन्होंने। इसलिए तो हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम ये तो बोल रहे हैं, लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा सीएम है ये, कैसा सीएम है जो अपने आदिवासी कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय के खिलाफ ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हैं, ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हम पर हमला क्यों कर रहे हैं, यही तो हम सवाल करना चाहते हैं। देश के गृह मंत्री भी वहां का दौरा कर चुके हैं अमित शाह जो है, ये तो हम बोलना चाहते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे प्रदर्शन करने हम आते जा रहे हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं केंद्र सरकार को, ये सीएम वीरेंद्र के झूठों में मत फंसो, इनके झूठों में मत फंसो, ठीक है, ये तो हम बोल रहे हैं। इसलिए तो हम आदिवासी माइनॉरिटी जिसे कहते हैं, इसलिए वी आर पावरलेस, दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑल ऑफ द नैरेटिव्स, ऑल ऑफ द जो भी सवाल है, जो भी वो लोग बोले जा रहे हैं, जो सीएम वीरेंद्र के मुंह से जो भी निकले जा रहे हैं, वो सारा दुनिया मीडिया सब उनको पूरा सच्चाई मानते हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम, इसलिए तो आदिवासी, इसलिए माइनॉरिटी जिसे कहते हैं ना, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम पावरलेस है, हमारी बातों को भी सुनो, हमारे भावनाओं को समझो, इसलिए हम प्रदर्शन करने आ रहे हैं। इसका हिस्सा है, आपको समझती सरकार कहती भी है, आखिरी में देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से यही है कि आपने तो फिर हमारे जो समुदाय के साथ खिलाफ इतना लड़ाई, इतना जंग हो रहा है और फिर हमारे इतने सारे लोग भी मरे हुए, यहाँ पे जो आपने देखा होगा पोस्टर में, हमारे औरतों के साथ इतना शोषण हुआ जो आपको पता था, जो वीडियो वायरल हुई थी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कुकीज और लोगों के लिए, अगर हम भी भारतवासी है, वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को समझे, हमारे भावनाओं को समझे, हमारे लोगों के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई एक सोल्यूशन लेके आए जो, और हम चाहते हैं कि हमारे लिए अलग प्रशंसा विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस भारत के संविधान के अंदर हमारे लिए एक उपाय लेके आए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग और हम हमारी उम्मीद है कि एक लीडर होने के नाते प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार हमारी मांगों को सुनने की हमारी उम्मीद भी है, बड़ी उम्मीद है।